अगला टॉपिक है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, क्लास वन चैप्टर नंबर वन क्लास इलेवेंथ का। तो रिएक्टेंट जो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है कोई भी केमिकल रिएक्शन में उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग करने का मतलब जैसे आप पढ़े होंगे फ्रिक्शन में, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग मतलब कि एकदम वर्ज ऑफ मोशन पे है, मैक्सिमम पे। स्टैटिक फ्रिक्शन जब है तो आप हिला रहे हैं, नहीं हिल रहा, फ्रिक्शन लगा रहा, अपोज कर रहा बहुत ज्यादा। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन तक आप फोर्स लगा दिए, उसके बाद अगर आप फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी हिल जाएगा। तो उसी तरह से ये भी है लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब आप रिएजेंट कंज्यूम, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है कंज्यूम होते गया उसका 100% कंज्यूम हो गया जिस समय, वो समय जो उसको हम लोग रिएक्टेंट को लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, समझ में। तो जैसे ए प्लस टू बी अगर कोई प्रोडक्ट बनाया पी, तो ए अगर मान लीजिए थ्री है, थ्री बाई वन एक है, मतलब एक मोल है इसका, ये टू मोल है तो ये 9/2 4.5, तो थ्री जो है 4.5 से पड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, ए, मतलब कम्प्लीटली कंज्यूम कौन हुआ होगा, ए कंज्यूम हुआ होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये कंप्लीट रिएक्ट कर गया लेकिन बी अभी भी बचा रह गया, समझ में आ रहा है। मतलब ये तीन है, ये पांच साढ़े चार है, ठीक है, तो ये साढ़े चार है और ये तीन है, इसका मतलब कि ये क्या रह गया, ये तीन का तीन तो साढ़े तीन से तीन लग गया, बाकी डेढ़ इतना सब उसका बचा रह गया। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तीन है। इस तरह से आपको चेक करके पता करना है। तो देखिए रिएक्टेंट जो है कम्प्लीटली जो कंज्यूम हो जाता है उसको बोलते हैं। तो रेशियो कंपेरिजन कैसे करते हैं, जो मोल्स आपका गिवन है या जो एसोसिएटिविटी कोएफिशिएंट है, दोनों का जो आप रेशियो निकालेंगे वो रेशियो का कंपेरिजन कहलाएगा, ठीक है। हाँ, जैसे लिमिटिंग रिएजेंट में आपका ए ए प्लस बी बी, ये आगे वाला जो लगा होता है क्या है, मूल, ये जो सी सी डी डी कोएफिशिएंट ना, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, क्वेश्चन में दिया रहेगा मोल मोल। अब एक्सेस रिएजेंट जो बचा रह गया, जैसे अभी ए और बी में साढ़े चार से तीन लग गया, डेढ़ बच गया, तो एक्सेस रिएजेंट कौन, किसका बचा, ये एक्सेस रिएजेंट है, ठीक है। तो फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कितना है, इसका 10 मोल है, इसका 10 मोल है, तो ए ए होगा। क्यों ये होगा, क्योंकि उसका लिमिटिंग रिएजेंट कम है ना, रेशियो पहले निकालना पड़ेगा ना जी। हां 1:10, इससे कोएफिशिएंट से निकालिएगा तो ये कितना होगा 10/1, ये कितना होगा 10/5, 2 होगा, 2। तो पहले कौन रिएक्ट कर गया, अरे उल्टा बोल रहे, आधा 10/1 है ना, नंबर ऑफ मोल बाय कोएफिशिएंट होता है ना, हां 10/1। हां अभी कौन सा रेशियो पढ़े थे आप, बैक करके दिखाइए, लिमिटिंग एजेंट बाय मोल बाय सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट, हां मोल्स बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये हम ऊपर लिख देते हैं क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना होना, क्योंकि हर में आपको देखना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट के लिए। तो क्वेश्चन में मोल दिया हुआ है, क्वेश्चन में मोल कितना दिया हुआ है, 10। तो क्वेश्चन में कितना मोल दिया हुआ है, 10। तो इसका जो है रेशियो कैसे करेंगे, मोल बाय कोएफिशिएंट, इसका वो कुछ नहीं है तो 1 है, तो 10/1, और इसका कितना हो जाएगा 10/5। तो ये ए 1 होगा और ये 2 होगा, 2 होगा, तो ये 1 है, ये 2 है, 10 होगा और 2 होगा, 10 is to 2, अरे सॉरी ये 10 होगा और ये 2 होगा, तो इसका मतलब कि ये कम है, ये ज्यादा है, तो ये 2 से 2 लग गया, बाकी इस यही ना कम्प्लीटली रिएक्ट करेगा, बाकी 8 तो इसका बचा रहेगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन बना, बी ऑप्शन। तो ये आप हमेशा सारे में आपको करना है रेशियो निकाल निकल के, समझ में आया ना, मोल ऊपर रहेगा याद रखिएगा, ऐसे भी मुंह आदमी का ऊपर रहता है, ठीक है। तो रिएक्शन में है 2 carbon + O2 2 COO बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कैरेज आउट हुआ, 24 ग्राम कार्बन था, 96 ग्राम ऑक्सीजन था, तो रिएक्टेंट्स जो है एक्सेस में कौन बच जाएगा, ठीक है, 24/2, तो गिवन मास बाई मोलर मास, पहले मोल तो निकालिए, तो मोल हमारा कितना हो जाएगा, 24 ग्राम कार्बन है ना, देखिए ना मोल, हाँ
24 ग्राम कार्बन, तो गिवन मास बाय मोलर मास, तो 24 बाय कार्बन होता है 12, ये 2 मोल हो गया पहले का ही। कार्बन का हम लोग मोल निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन का मोल निकालिए, ऑक्सीजन का गिवन मास कितना है, 96 ग्राम, O2 है, तो 96 डिवाइडेड बाय 32, ये हो गया 3 मोल, ठीक है। मोल मतलब चल गया हमको। अभी रेशियो, रेशियो कैसे निकालते हैं, मोल बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, हां स्टोइकोमेट्रिक, इसका कितना है 2, कोएफिशिएंट कितना है इसका 2, तो ये हो गया 1, ये हो गया कार्बन का। अब आ जाइए ऑक्सीजन का, O2 का, इसका रेशियो कितना है 3, O2 का मोल कितना है 3, और कोएफिशिएंट आगे कुछ नहीं है तो 1 है, वाई 1, तो ये 3। कौन पहले रिएक्ट करेगा, कार्बन कंप्लीट रिएक्ट कर जाएगा, ऑक्सीजन का बचा रहेगा, कौन सा रिएक्ट बचेगा, O2 का, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो सबका मोल निकालना है और उसका रेशियो निकाल लेना है, और उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन रिएक्ट करेगा। तो आप आगे बना लेंगे ना सारा। अब जिसे क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मच ऑफ इट इज लेफ्ट, अरे मिटा दिया, अभी आपका कार्बन का कितना था, ऑक्सीजन का कितना आया था, अभी हम बनाए थे ना, कार्बन का 2, ऑक्सीजन का 3, हाँ ये आपका रेशियो आया था, 2 था, 1 था, 1 था, 1 1 is 3, 1 2 by 2 आएगा, 1 था, हाँ 1 था, 2 is to 2, हाँ तो डिफरेंस कितना हो गया, 2 मोल, 2 मोल का, हाँ सी आंसर, सी, तो इसका डिफरेंस जो अब डिफरेंस होगा वही ना, एक तो, एक तो पूरा उसका रेट कर जाएगा, बचेगा 2, यही 2 मोल का डिफरेंस है, यही आपका बचा है एक्सेस में, है ना, वही है। How many grams CO has formed? हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड में कितना ग्राम बनेगा, ये तो आपका स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन है, आपको ऑलरेडी पहले बनाए हुए हैं, बता दीजिए देख के ही कितना ग्राम CO बनेगा। आप कार्बन से निकालो ना, दो कार्बन, मतलब कार्बन का दो मोल जो है, दो मोल कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना रहा है, तो कार्बन का एक मोल ही बनाएगा, तो कार्बन का एक मोल कितना है, 12, तो 12 में ये कितना हो जाएगा, इसका जो मोलर मास होगा वही बनाएगा, तो मोलर मास इसका कितना है, 12 और 16 28 ग्राम, है ना, मोल सेम है ना यहाँ, मोल तो 28 ग्राम, लेकिन यहाँ 12 के बदले 24 दिया है ना, डबल डबल दिया है, तो वो भी डबल हो जाएगा 56 ग्राम। तो ये आपको बताए हुए हैं, निकाल लेंगे आप लोग, है ना। उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर एट एचटीपी, और 4 ग्राम H2 और 32 ग्राम O2 प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखिए मोल से पता करिए, मोल से H2 का कितना ग्राम है, 4 ग्राम, तो गिवन मास बाय मोलर मास, मोल कितना आएगा इसका, 4 by 2 आ गया, O2 का मोल कितना आएगा, 32 by गिवन मास बाय मोलर मास, बस यही करना है, 32 by 32 1 मोल, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वाटर कितना बना, इसका हर एक चीज का दुगुना हुआ है एज पर क्वेश्चन। ये एक मोल H2 है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 मोल, ये आधा मोल O2 है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 मोल एज पर क्वेश्चन। इसका मतलब कि ये जो है दुगुना हुआ है, ये भी दुगुना हो जाएगा, इसका मतलब कि 2 मोल वाटर बना है, दो मोल वाटर बना है, तो 2 से गुना कर दीजिए 22.4 को, 22.4 होता है, तो 2 मोल हो जाएगा 44.8, है ना, 44.8। इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है जल्दी जल्दी बनाना है। उसी तरह से स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में एक कंटेनर है, 100 ml N2 है, 100 ml H2 है, ये दोनों मिक्स कर दिया गया, तो वॉल्यूम NH3 का क्या बनता है। तो रिएक्शन आपको याद रहना चाहिए, N2 प्लस H2 NH3 जो है 2 मोल बनाता है, तो ये हो जाएगा, ये तो 2 ही है, तो ये 3 हो गया, ठीक है। अब आपको पता है इसका कितना वॉल्यूम दिया है, 100 ml, इसका कितना दिया है, 100 ml, ठीक है। ये मिक्स कर दिए हैं, तो हमारा NH3 कितना बनेगा, है ना। तो आपको ये समझ में आना है कि हमको कितना मोल दिया, ठीक है। तो ये 100 मोल दिया है, गिवन वॉल्यूम बाई 22.4 करेंगे तो हमको मोल मिल जाएगा, वो
मिली ml में उसको डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ तो ml को लीटर में करना पड़ेगा तो इनटू 1000 इधर ही कर देते हैं है ना, नीचे के ऊपर नीचे सौ भागा, हाँ नीचे ही आएगा है ना। और ये भी आ जाएगा 100 ml है तो 22.4 इंटू 1000 ये हो गया ml में है ना। तो ये नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया। अब रेशियो आप ये निकालो कितना आएगा, 600 घटेगा 1000 घटेगा 1/24 घटेगा। एक एक मोल आपका N2 है, एक मोल N2 बना रहा है 2 मोल अमोनिया है ना, तो इसका मतलब कि इसका दुगुना हो रहा है है ना। तो एक मोल N2 2 मोल अमोनिया बना रहा है और आपके पास जो है एक मोल मतलब कितना होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर N2 जो है 2 मोल अमोनिया बना रहा है, मतलब कि 22.4 लीटर N2 जो है कितना बनाएगा 44.8 लीटर अमोनिया बनाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है ना, कोई भी चीज का एक मोल होता है 22.4 लीटर, इसका दुगुना है 44.8 लीटर बना रहा, हमारे को चाहिए कि 100 ml कितना बनाएगा। तो एक एक जो है एक जो है दो बना रहा है 22.4 मतलब 44.8 बना रहा है, तो एक लीटर जो है कितना बनाएगा 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4, तो 1000 ml कितना बनाएगा 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4 इनटू 1000, तो एक 100 ml कितना बनाएगा डिवाइडेड बाय, सीधा ऐसे करो ना 22.4 लीटर में इतना, एक लीटर में दो दो सौ क्या बोल रहे, बस उसी से आपको बनाना है ना, 100 में कितना आएगा कितना आएगा। लेकिन अप्रोक्स आंसर नहीं आना चाहिए, 44.8 ही आएगा हमारे हिसाब से। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 मोल H2 जो है 2 मोल NH3 बना रहा है, हम लोग H2 से करेंगे ठीक है, HTP से। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, तो गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 इंटू 1000। अब एक मोल H2 जो है 2/3 मोल अमोनिया बनाएगा, तो 2/3 मोल इतना हमारा जो है ये हमारा क्या आया मोल आया, और उसको हम 22.4 लीटर, लीटर को भी हम ml में कर लेते हैं क्योंकि आंसर जो है ml में दिया हुआ, अरे मतलब वो 1000 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ हम लोग ml यूज किए हैं ठीक है। तो ये जो है इतना जो है इतना इंटू 1000 जो है इतना जो है आपका मोल आया, क्योंकि गिवन वॉल्यूम बाय स्टैंडर्ड वॉल्यूम ये मोल आया, मोल को हम 22.4 से गुना करेंगे तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसको 2/3 क्यों किए, क्योंकि हमारे पास रिएक्शन से आया एक मोल H2 जो है 2/3 मोल NH3 बना रहा है। H2 क्यों यूज किए, क्योंकि हमारा ये स्टैंडर्ड है, इसका मॉलिक्यूलर मास का इशू नहीं आएगा, तो हम इसलिए जो है इससे सॉल्व करें। तो देखिए 22.4 से 22.4 डायरेक्ट कट गया, 100 से 1000 बार में 2 कट गया, 2 से 5 बार में कट गया, तो 1000/50=66.66 लीटर ठीक है। ये आपका आंसर नंबर डी आंसर सही हो जाएगा इसका ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको हिंट सिर्फ कर देंगे, बाकी आप खुद से बनाना। ये देखिए रिएक्शन दिया हुआ है इसमें, और जो है 2 मोल जो है सारे को लिया गया है, तो कितना मोल B2H6 प्रिपेयर होगा ठीक है। तो ये सब 2 मोल, 6 मोल में 1 मोल प्रिपेयर हो रहा है, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा, खुद आइडिया लगा लो ना, ये 6 मोल है, 2 मोल LiH किया, उसका 1/3 किया है, ये भी 1/3 हो जाएगा है ना। तो उससे आप मतलब क्या बोलते हैं, और BF3 भी 2 मोल है, तो इससे जो ज्यादा वाला रहता है उससे लेते हैं, तो ये कितना हुआ है 1/4 हुआ है, तो ये भी 1/4 हो जाएगा ठीक है। तो 0.25 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट उसी तरह से रिएक्शन दिया है A+2BC बना है, तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, मतलब रिएक्शन 5 मोल A और B, 8 मोल B रखेंगे, ज्यादा कौन है बी वाला, तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है बनेगा वो कितना बनेगा, ये 2 था, इस चार गुना किया ना इसको, हाँ चार गुना किया, हाँ, ये भी 4 मोल बन जाएगा ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट ओके, तो ये मोर देन सफिशियंट है, पूरा आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा लंबा गया लेकिन आपको अच्छे से क्लैरिटी मिला होगा। ओके थैंक यू।